हाय एवरीवन, मैं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं सैमसंग के 370 वॉट के 3.1 चैनल के साथ आने वाले B650D 2024 के लेटेस्ट साउंड बार के बारे में। तो सैमसंग ने अपने इस साउंड बार के अंदर क्या क्या आपको नए फीचर्स दिए हैं, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप बिना कोई भी प्राइस के अंदर गैप किए ऑनलाइन और मेरे प्राइस बिल्कुल सेम रहने वाला है, जहां से आप इस होम थिएटर को खरीद सकते हैं, जिससे हमारे चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो एक नजर डालते हैं इसकी फर्स्ट लुक पे। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो जो मेन साउंड बार है वो आपका पूरा प्लास्टिक बॉडी के साथ ही आता है, जिसके ऊपर जो इसका मेन ऊपर वाला पार्ट है वो पूरा आपका मैट फिनिशिंग के साथ आने वाला है, जहां पे आपको ऊपर की तरफ इसके जो मेन कंट्रोल्स हैं वो यहीं पे मिल जाएंगे। पावर ऑन ऑफ का बटन ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम डाउन का बटन ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम प्लस का ऊपर की तरफ बटन है, और इसके जो इनपुट मोड्स हैं उनको चेंज करने का बटन भी ऊपर की तरफ ही दिया गया है। सामने की तरफ है इसके मेन तीन चैनल्स, जो कि आपको एक यहाँ पे मिलने वाला है, एक है सेंटर स्पीकर और एक आपको मिलने वाला है राइट की तरफ। यहाँ पे आपको जो जाली ये मिलने वाली है ये भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की है, और ये आपकी जाली जो है ये मेटल की है। उसके बाद साइडों से भी ये थोड़ा बहुत यही सेम जाली आपको मिलने वाली है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इसके मॉडल नंबर वगैरह मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे आप मॉडल नंबर चेक कर सकते हैं, HWB650D/XL ये है इसका मॉडल नंबर। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको दो HDMI की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जहाँ पे जो एक HDMI है वो आपकी आती है HDMI to TV ARC वाली, और एक आपकी नॉर्मल HDMI है। ARC का फायदा है ऑडियो रिटर्न चैनल, एक ही केबल से आप ऑडियो को रिटर्न ले सकते हो, इनपुट भी और आउटपुट भी। इसी के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती हैं तीन ये अलग से कनेक्टिविटी, यहाँ पे आप एक पेन ड्राइव इसके अंदर लगा सकते हो और एक आप इसके अंदर लगा सकते, यहाँ पे आपका लगेगा अडेप्टर जो कि 24 वोल्ट का है, यहाँ पे 24 वोल्ट का DC अडेप्टर लगने वाला है। यहाँ पे आपकी लगेगी USB 5.5 वर्जन की 0.5 एम्पेयर वाली, और नीचे की तरफ आपकी लगने वाली है डिजिटल ऑडियो इन, वो भी ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये सारी कनेक्टिविटी आपको इस साउंड बार के अंदर मिल जाती है। साथ ही आपको मिल जाता है यहाँ पे एक सब वोफर इसका, जिसके अंदर जो सैमसंग ने अपना जो जाली का डिज़ाइन है वो थोड़ा चेंज कर दिया। पहले ये बिल्कुल मिनिमम साइज़ की जो होल्स हैं उसकी जाली आती थी, अब ये थोड़े होल्स का साइज़ भी बड़ा कर दिया है, और बैक साइड से आपका इसका जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है, बैक साइड से आपको ये डिज़ाइन दिया गया, जहाँ पे इसका मॉडल नंबर वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है सबवूफर का। इसके अंदर आपको 40 वोट इनपुट पावर वाला सबवूफर मिल जाता है, और 25 वोट का आपको ये साउंड बार मिल जाता है, जिससे आपको जो साउंड आउटपुट मिलती है वो 370 वोट की मिलती है। साथ ही पावर इनपुट के लिए आपको ये वाला अडेप्टर इसके साथ मिल जाता है, जो कि आपका इनपुट पावर 100 से 240 वोल्ट पे काम करता है। 24 वोल्ट का ये अडेप्टर है, जिसके साथ आपको पावर केबल भी मिलने वाली है। इसी के साथ आपको इस साउंड बार के साथ ये वाला रिमोट मिलने वाला है, जहाँ पे आपको सारी जो हॉटकीज़ हैं वो यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे पावर ऑन ऑफ है, और यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ब्लूटूथ पेयर, ये है नेविगेशन की, प्ले पॉज, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन, बूफर का बेस अप एंड डाउन, साउंड मोड चेंज कर सकते हो, उसके बाद चैनल लेवल, ट्यून कंट्रोल, सेटिंग्स, ये सारी आपको इस रिमोट के साथ आप कर सकते हो। इसके अंदर आपकी नॉर्मल छोटे साइज़ की बैटरीज भी डलती हैं। तो ये वाला रिमोट आपको इस साउंड बार के साथ मिलता है, साथ ही आपको इसके साथ मिल जाती है एक HDMI केबल भी। तो कुछ इस तरह का सैमसंग ने अपने इस 650 साउंड बार के अंदर आपको डिज़ाइन दिया है।
फीचर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसके नाम से ही है, इस साउंड बार के अंदर आपको मेनली 3.1 चैनल का ये साउंड बार है, जिसके अंदर आपको तीन चैनल जो है इसके साउंड बार के अंदर ही मिल जाते हैं, एक लेफ्ट में, एक सेंटर में और एक आपका राइट की तरफ, और एक आपको मिल जाता है वन चैनल आपका ये बेस, जो इसको हम सबवूफर कहते हैं। और इसके अंदर सेंटर स्पीकर्स दिया गया है B550 से, जस्ट इसके अंदर यही डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपको जो वोकल्स की क्वालिटी मिलती है वो बहुत ही बेस्ट मिलती है। साउंड मोड की बात करें तो यहाँ पे आपको इस मॉडल के अंदर एक तो मिल जाता है आपको स्टैंडर्ड साउंड मोड, दूसरा आपको इसके अंदर मिल जाता है सराउंड साउंड मोड, जहाँ पे आपको सराउंड साउंड मिलती है। अगला इसके अंदर मिल जाता है आपको गेम मोड, जहाँ पे अगर आप गेमिंग वगैरह के लिए साउंड बार को यूज़ करते हो तो आपको गेमिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी साउंड मिलने वाली है, जिससे आपका जो जो भी जिस भी टाइप के आप गेम इसके अंदर प्ले कर रहे हो उसके हिसाब से बेटर साउंड मिलेगी आपको। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है अडेप्टिव साउंड, इसका बेनिफिट होता है कि आप किस टाइप का इसके अंदर कंटेंट प्ले कर रहे हो, म्यूजिक, न्यूज़, सॉन्ग्स या मतलब कोई मूवी वगैरह, तो उसी हिसाब से इसका जो साउंड की क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। इसी के साथ आपको मिल जाता है नेक्स्ट DTS वर्चुअल एक्स, जो कि आपका एक हिसाब से डॉल्बी डिजिटल ऑडियो का काम करता है, जिससे आपको बहुत ही बेस्ट साउंड मिल जाती है। उसके बाद इसके अंदर मिल जाता है आपको बेस बूस्ट, बेस बूस्ट के अंदर आपको जो सब ऊपर से बेस, जो डीप बेस मिलने वाली है वो सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, जिसको आप इस रिमोट से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो ये सारे साउंड मोड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली इसके अंदर जो सबसे बेस्ट मिलता है वो पसंद है, वो है DTS वर्चुअल एक्स, जिसको डॉल्बी डिजिटल के अंदर माना जाता है। इसमें आप अगर थोड़ा सा ट्रेबल को कम करके चलाओगे तो बहुत बेस्ट साउंड आपको इस साउंड बार के थ्रू मिलने वाली है। कनेक्टिविटी की बात करें तो इस साउंड बार को आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, एलईडी से भी आप ब्लूटूथ से, अगर आपकी एलईडी में ब्लूटूथ है तो उससे भी आप इसको साउंड बार को एलईडी से कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर HDMI का सपोर्ट है, आप HDMI, EARC या नॉर्मल HDMI से अपने टीवी से इस साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आप इस साउंड बार के थ्रू 5.1 चैनल का सपोर्ट चाहते हो तो आप अलग से दो जो बैक साइड के दो चैनल होते हैं वो अलग से आप सैमसंग के खरीद सकते हो और इस साउंड बार के साथ अटैच कर सकते हो, जिससे आपको 5.1 चैनल का साउंड आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ये सारे आपको इसकी साउंड क्वालिटी के फीचर्स आपको इस साउंड बार के अंदर मिल जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। वारंटी की बात करें तो सैमसंग अपने इस साउंड बार के ऊपर आपको 1 साल की कंप्लीट वारंटी दे रहा है। साथ ही कंपनी का जो टेक्नीशियन है वो आपके घर पे ही होम घर पे ही आके इसकी इनिशियल जो इंस्टॉलेशन है वो भी आपको करके देगा। तो कैसा लगा आपको ये सैमसंग का B650D 370 वोट वाला 3.1 चैनल के साथ आने वाला साउंड बार, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये आपको साउंड बार अच्छा लगता है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे नीचे दिए गए परचेज लिंक से इसको परचेज करें। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय।